press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो है 12 वोल्ट बैटरी चार्जर, जो कि आप UPS की हो या बाइक की हो या कार की हो, कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी हो जिसको आप घर पे आसानी से चार्ज कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो बैटरियाँ हैं, ये वाली एमरोन की है, ये बाइक की बैटरी है पल्सर 150 की। इसका वोल्टेज देख लीजिए, तकरीबन 7 वोल्ट है। इसको हम चार्ज करेंगे। एक मेरे पास UPS की बैटरी है, उसको भी हम चार्ज करेंगे। पहले उसका वोल्टेज मैं चेक करवा देता हूँ आपको। आप इससे कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं घर पे आसानी से बिना कोई परेशानी के। तो दोनों का वोल्ट आपको मैंने दिखा दिया है। अब एक बार बल्ब फिर से जला के दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं जलेगा देखना। ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा दीपक की रोशनी से भी कम रोशनी है इनकी। ये देखिए, बिल्कुल भी इनमें पावर नहीं है। तो पहले हमें दो क्लिप चाहिएगी। मैं एक क्लिप आपको बना के दिखा देता हूँ जो कि अपने एक बैटरी को कनेक्ट करने में काम में आएगी। तो मैं एक क्लिप आपको बना के दिखा देता हूँ और दूसरी मैं बना स्किप कर दूंगा। मैं यहाँ पे मेरे पास बैटरी की जो रेड क्लिप है यानी कि पॉजिटिव के लिए, वो मेरे पास एक ही थी, तो मैं इस पर ब्लैक ही कनेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन आपको बस ये ध्यान रहे कि पॉजिटिव और नेगेटिव में दिक्कत नहीं हो। मैं इसके ऊपर टेपिंग कर देता हूँ, अब इसको फिक्स कर देता कहीं शॉर्ट ना हो जाए। ये बन के तैयार है अपना। हम यहाँ पे दो क्लिप बनाएंगे, एक मैं आपको दिखा दूंगा, दूसरी मैं स्किप करके आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ये देखिए, दोनों क्लिप मैंने बना लिए हैं। अब चलते हैं चार्जर के पास। ये दोस्तों इन्वर्टर, ये वही बैटरी है दोस्तों जो पिछले वीडियो में मैंने इसको पानी वगैरह चार्ज किया था। बहुत अच्छे से काम करती है दोस्तों ये। वो उसका नेगेटिव पॉजिटिव वायर है, ये वाला नेगेटिव है, और हम क्लिप को कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब नेगेटिव मैं पहले क्लिप लगा देता हूँ, दूसरा हम यहाँ पे पॉजिटिव वाली क्लिप लगा देंगे। मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको, 6:35 हुए हैं अभी। अब देखिए, यानी कि 15 मिनट पूरी हो चुकी हैं। मैं इसका पावर आपको दिखाऊंगा, एक बार वायर हटा देता हूँ, मल्टीमीटर के साथ मैं आपको चेक करवा देता हूँ। दोनों बैटरियाँ सिर्फ 15-15 मिनट लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से दिखाऊंगा। ये देखिए, 12.98 तकरीबन 13 वोल्ट के आसपास इसमें आ गए हैं। अगर 1-2 मिनट और लग जाएगी तो ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगी। अब मैं बाइक की बैटरी लगा देता हूँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। मैं इसको भी 15 मिनट के लिए ही लगाऊंगा। मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको, 6:52 हो चुके हैं। इसको हम 7:07 पे निकालेंगे। ये देखिए, 7:07 अब निकाल देते हैं इसको, और इसका पावर भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये मल्टीमीटर की हेल्प से मैं एक बार आपको इसका पावर भी चेक करवा देता हूँ, और फिर मैं आपको एक मेरे पास कार की हेडलाइट का हेलोजन लैंप है वो भी चेक करके दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें आ चुके हैं 12.17-18 वोल्ट के आसपास आ चुका है। इसको भी अगर 1-2 मिनट आप लगाओगे, लेकिन बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी इससे 12.15 वोल्ट। अब मैं आपको एक लाइट जला के दिखा देता हूँ, थोड़ा डार्क हो गया है दोस्तों। हाँ, ये वीडियो मैंने अंधेरे में शूट की थी।
ये देखिए स्पार्क हो रहा है। अब मैं एक आपको 12 वोल्ट 21 वाट का बल्ब है मेरे पास, वो मैं जला के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस बैटरी का दोस्तों अम्पेयर कम है तो इसलिए थोड़ा कम जल रही है। अब बाइक की बैटरी का अम्पेयर ज़्यादा है तो इसमें आपको एक बार लाइट जला के दिखाता हूँ, इसमें बहुत अच्छे से जलेगी क्योंकि हैलोजन लाइट की रोशनी बहुत तेज होती है दोस्तों। ये देखिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।